यहाँ पे हम किचन में हैं और किचन में हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई और थोड़ा सा गोभी आलू ताकि मैं सुकून में रहूँ। मैं कह रही उसके बाद ताकि जिंदगी अच्छे खासे खुश खुराकी की तरफ कल से चली जाएगी। हाँ इसलिए बेहतर है। मैं ईद के मौके पे कुछ कहना चाहूँगी। ईद के मौके पे यही कहना चाहूँगी कि अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारें। वही बात है कि कल की किसको खबर, क्योंकि बंदा पूरा वक्त मतलब फैमिली के साथ तो होता नहीं है, एक ही दिन होता है फैमिली के साथ गुजारो भाई। और जबकि फैमिली भी बहुत मुख्तसर थी, और जो बच्चे बाहर के मुल्कों में परवरदिगार उनकी जिनकी आज ईद है वो भी अपनी खुशियों से ईद मनाएं। ईद मुबारक आप सबको, और अच्छी अच्छी सी ईद करें, खुश रहें, मज़े मज़े के खाने खाएँ और हमारे साथ फोटोज भी शेयर करें। हाँ हमारे साथ फोटो भी शेयर करें। अगर हमने काली मिर्च डाल दी है इस पर भी और इन मोहतरम पे भी, फिर तो बस गोश्त ही गोश्त है। You never know. Hello and assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog, welcome back to Kapcha Vlogs. I hope कि आप सब बहुत मज़े में होंगे, ईद की प्रिपरेशन भी आप सबकी हो गई होगी, या लास्ट डे आज का आज भी कर रहे होंगे, और बकरे वगैरह सब सब के आ गए होंगे, बेड़े वगैरह जो भी है सब कुछ हो गया होगा। और स्पेशली आज जिन जिन की बाहर ईद है, बाहर मुल्क में अब्रॉड है, सो अ वेरी हैप्पी ईद टू एवरी वन आउट देयर। आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे और एन अमेजिंग ईद, मीठी ईद, नॉट मीठी बट लाइक मेरी। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि मैं चेक कर रही थी कि हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ पर हैं, तो एक जो था वो इंडिया में मुझे नज़र आ रही थी। तो थैंक यू सो मच आप जो भी हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स, और बहुत अच्छा लगा था देख के। आज का व्लॉग भी आप लोगों को देर से मिलेगा क्योंकि आपको पता है ईद की बहुत ज़्यादा तैयारियाँ शारियाँ वगैरह सब कुछ हो रही होती हैं, तो आज का भी व्लॉग देर से ही लगेगा और देर से ही स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आई होप कि आप सब इन्जॉय करें। अभी ईद की उस पर मैंने आपको एक मेरी मेहंदी भी रहती है, मेहंदी भी लगानी है, कुछ रहती है, आई गॉट लाइक दिस न्यू ऑब्सेशन, इट्स अ न्यू इंटरेस्ट एंड इट्स अप्लाइंग नेल पेन। मतलब मुझे नए शौक थे, सन्नी हो गया, मेहंदी का भी शौक नहीं था लेकिन अब हो गया, क्या करें। ईद के उस पर मेरा सबसे फेवरेट डे होता है चांद रात, चांद रात का, क्योंकि प्रिपरेशन बड़ी ज़ोरों शोर पर होती है, खानों की मतलब जो भी अगले दिन की प्रिपरेशन होती है वो मतलब प्री कुछ कह लें होल्स होता है, मेहंदियाँ लग रही होती हैं सब कुछ, तो मुझे चांद रात सबसे अच्छी लगती है। ईद भी अच्छी होती है लेकिन चांद रात ज़्यादा उसका मजा होता है। आ गई है, हेलो ताइमा। भाई अम्मा क्या कहे, कुछ भी कहे, ईद कह दें सबको, मेरी बेटी जबा सबको, सबको जिन बच्चों की ईद हो रही है बाहर दिन की कल है, उनको पहले से ही मेरी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक। आप लोगों को दुआएं तो इतनी है इतनी है इतनी है कि जितना आप लोग उन्हें समेट ना सके। क्या बोलूँ, ये बोल रही हूँ कि मेरी छोटी बेटी सारा की आज ईद है इंग्लैंड में, सारा, मुनीर, लैला, सूफिया, आप सबको मेरी तरफ से और आपकी फ्रेंड्स को, आपके ससुराल वालों को, आपके सब जानने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मज़ा करें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, क्योंकि ये मेरी बेटी खाने की भी बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत शौकीन है खाने की, इसलिए खूब ढेर सारा खाना खाओ और हमें अच्छी अच्छी तस्वीरें भेजो। पूरी मेरी बड़ी बेटी है, जाहिर मैं आपसे तारुफ़ करा चुकी हूँ, तीन, हाँ उसमें तीन मेरी नवासी हैं, उरूज, राहील, और उरूजी एक बहुत बड़े ससुराल में गई हुई है, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक, सारी देवरानियों को, क्योंकि सास को जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, उनको भी मेरी तरफ से, उनकी बेटी मारिया को भी, सबको मेरी तरफ से बहुत सी ईद मुबारक, बहुत सा प्यार, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे इंशाल्लाह। अब
उमेर, मेरी, मेरू जिसके ढेरों से नाम है, सल्लू भाई, उसको, उसकी बीवी हमारा, उनको और मेरी जो उनकी यानी वालदा है वो भी इन दोनों इत्तेफाक से अमेरिका गई हैं, उनको जो कि मेरी अच्छी फ्रेंड भी हैं, उनको और वो जिस न्यूयॉर्क में जिस बहन के घर नहीं हुई, उनको, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे दो प्यारे प्यारे से जो पोते हैं आर्यन अरहान, उनको भी दादो की तरफ से ढेर सा प्यार, ढेर सी ईद मुबारक। लेट्स कंटिन्यू। ये मेरी सबसे छोटी बहू वर्दा लियोन जिनके शोहर को अभी तक हमने काबू किया हुआ, ये भी अमेरिका में होती है और जिसकी वजह से ये वो अलग वहाँ परेशान है और यहाँ परेशान है और हम इनकी परेशानी अभी तक दूर नहीं कर पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह ये दोनों बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, बस आप लोग भी ढेर सारी दुआ कीजिएगा क्योंकि इनकी शादी को भी थोड़ा बड़ा मुख्तसर सा अरसा हुआ है लेकिन इनमें एक जुदाई सी है। तो इनकी जो वालदा हैं और जो इनके वालिद हैं वो हमारे बहुत काबिले एहतराम भाई और भाभी और फ्रेंड, और इनकी बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, उनको भी मेरी तरफ से अस्का, लाइबा, सबको ढेरों ईद मुबारक। ये मेरा वो प्यारा बच्चा है जो कि मेरी डांट पर भी हंसता है और मैं इसलिए इसको नहीं डांटती कभी भी। हेरी तुम एक दो शर्ट दिखाओ, जिम के जरा ज्यादा शौकीन हो इसलिए मैंने हेरी को जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ऑनलाइन। थैंक यू। अरे होए अनु, आनी तो छा गया भाई, आनी भाई वी मिस यू। आपको मैंने यानी स्लीवलेस इसलिए दिए कि आपको जिम के कपड़े जरा अच्छे लगते हैं। ये इसकी क्यों इतनी बारात निकली हुई है हेरी की? आपका सब कुछ है। नहीं, मेरा तो टाइम आ चुका है, इसकी क्यों बारात निकली है? लेकिन हेरी प्लीज कमरे तक रखना इसे। हेरी प्लीज एक और देख लो, हालांकि तुम नंबर 3 नहीं हो, तुम भी नंबर 1 नहीं हो। ये तो शॉर्ट्स है, ये टन टन बजी हुई है। हेरी व्हाट डिड यू गेट ऑनी भाई? ये इसलिए नंबर 3 तुम नहीं हो, नंबर 1 हो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, 3 है ये, 3 है। नो, 3 नहीं, फर्स्ट, सेकंड ऑनी भाई, थर्ड रखवी है। वाह, होला मैं बात सुनूं, व्हाट डिड यू गेट फॉर ऑनी भाई? अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो भी मिलेगा क्यों, जब ईद गुजरेगी तब मिलेगा। है ईद कल है हमारी। हाँ, बिल्कुल ना, बहुत सा प्यार मेरे बेटे को परवरदिगार। मेरी अम्मी कहा करती थी, इतना बड़ा सा अफसर बना जो के हो। हाँ, जो के हो। यही बिगड़ते हैं अपना व्लॉग। आप सबको खुदाफिस कहते हैं, कल बहुत अच्छे अच्छे समर के, अगर गर्मी ने इजाजत दी तो थोड़ा बहुत मेकअप करके, लेकिन ज़ारा तो फिर भी करेगी। हाँ, और आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ईद की ढेर सारी खुशियां मनाएं, गर्मी को एक तरफ रखें। यस, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।